हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान यूनिवर्स। दोस्तों, बात करेंगे स्पीड हाइट कैप्सूल के बारे में। बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसके बारे में और ये कोई नई चीज़ नहीं है, पुरानी है। आपने अक्सर इसको देखा होगा, मेडिकल स्टोर पे रखा हुआ, अखबारों में इसका विज्ञापन आता रहता है। कहा जाता है कि भाई ये हाइट को बढ़ा देता है। कितना कारगर है, कितना काम करता है, कैसे काम करता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। देखते रहिए दोस्तों। यहाँ पर स्पीड हाइट या स्पीड हेल्थ बोल सकते हैं कुछ भी, तो स्पीड हाइट है इसका नाम। और इसका जो कंपोजिशन नॉर्मली जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उनसे ही मिलकर बना हुआ है। अब इसको लेने के लिए लोगों को यही सोचते हैं कि भाई हमको सिर्फ और सिर्फ 15 दिन महीने भर में हमारी हाइट बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। पहले आप समझो कि ये है क्या। देखो, इसको बनाती है कौन, मैकवेल फार्मा एक कंपनी इसको बनाती है। आयुर्वेदिक है, ठीक है, लो तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ना लो तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। लगभग 117 रुपये में आपको इसके 20 कैप्सूल मिलते हैं और 365-63 रुपये में आपको इसका पूरा एक डिब्बा मिलता है जिसके अंदर 60 कैप्सूल मिल जाते हैं। अब अगर बात की जाए इसके कंपोजिशन की, स्पीड हाइट की, तो देखो इसके अंदर बहुत सारी कंपोजिशन होती है। इंग्लिश में लिखा रहता है और हिंदी में भी है, मैं बताता हूँ आपको। बिथानिया सोमनी फेरा है, जैसे अपन अश्वगंधा कहते हैं। अश्वगंधा अपन जानते हैं किस चीज़ का काम आता है, आपकी स्ट्रेंथ, आपके स्पर्म के प्रोडक्शन, आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए अश्वगंधा काम आता है। तो इसमें अश्वगंधा डाला हुआ है। दूसरा इसमें दोस्तों बिदारीकंध है, जिसे हम पुरानिया टैबरोस बोलते हैं, ये एक साइंटिफिक नेम है। तो ये बिदारीकंध भी अपन जानते हैं भाई एंटी एजिंग की तरह वर्क करता है, एंटी ऑक्सीडेंट, ये सब इसकी प्रॉपर्टी होती है। चंद्रसूर है, चंद्रसूर आपको लंग्स, अस्थमा, इन सब में काम आता है। बबूल है, जिसे बेसिक अकेशिया अरेबिका बोलते हैं, ये सूजन वगैरह को कम कर सकता है। तेज पत्ता है, केशिया तोरा, ये भी आपके लीवर को ठीक रखता है, तेज पत्ता। और सोन पत्ता है, ये पेट वगैरह डाइजेशन को ठीक रखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों इसके अंदर जो कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, आपका स्ट्रेस को कम करते हैं। और आपके शरीर में मेन चीज़ ये है कि भाई ये हार्मोन्स का बैलेंस करते हैं, हार्मोन्स को इंक्रीज करते हैं एक प्रकार से। तो इस तरह से ये काम करता है। मतलब कि जो भी कंपोजिशन है ये डायरेक्ट आपका ऐसा कोई काम नहीं कर रही कि आपकी हाइट बढ़ जाए। देखो, हाइट जो है इंसान की किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, या तो उसके माता पिता पर, भाई कि जीन्स आपके अंदर कैसा है। माता पिता की हाइट ज़्यादा नहीं है तो आपकी भी नहीं बढ़ सकती, इसको समझो। हाँ, अगर माता पिता की हाइट ठीक है फिर भी आपकी कम है तो आप इसको ले सकते हो, अदरवाइज ना ले, ठीक है, उसमें समझौता करना पड़ेगा। तो जेनेटिकल हो सकता है, कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से कि भाई आपने बचपन में आयोडीन की कमी रखी है, व्हाटएवर कुछ भी, तो हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो गया किसी बीमारी के चलते, तो आपकी ग्रोथ रुक गई है, हाइट रुक गई है, तो आप ले सकते हो। आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपकी डाइट में विटामिन डी नहीं ले पाते हैं आप, प्रोटीन कैल्शियम ये सब नहीं ले पाते हैं, तो ग्रोथ रुक जाती है, तो भी आप इसको ले सकते हो, ठीक है। और अपना लाइफस्टाइल के भाई आप सिगरेट शराब वगैरह पीते रहे तो इसलिए थोड़ी आपकी ग्रोथ रुक गई शरीर की, तो आप इसको ले सकते हैं। कोई दवाइयाँ चल रही थी इस वजह से ग्रोथ रुक गई तो ले सकते हैं, या किसी भी कारण से आपकी हाइट नहीं बढ़ पाई है तो आप इसको ले सकते हो। अब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हाइट को बढ़ाएगा, ये आपके पेट को भी ठीक रखेगा, आपके अंदर एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा कि आपके रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। डाइजेशन इम्प्रूव होगा, आपको खाना वगैरह पचने लगेगा, भूख बढ़ जाएगी। तो ये इसका काम करने का सीधा सिंपल सा फंडा है कि भाई आपके ओवरऑल पूरी बॉडी की ग्रोथ कराता है। आपके शरीर में जो हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं हाइट को बढ़ाने के लिए, उनका लेवल बढ़ जाता है तो आपकी हाइट भी बढ़ सकती है। अब आती बात कि भाई कितने दिनों में, कई सोचते हैं महीना भर में, 2 महीना में नहीं होगा, लगभग 6 महीने में आपको इसका कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। और बहुत सारे लोगों में तो इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, कुछ में मिलता है कुछ में नहीं मिलता, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ज़रूर नहीं कि आपकी हाइट बढ़ ही जाए, हो सकता है कि आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएं, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, ठीक है। ऑलरेडी मैं फैक्टर्स बता चुका हूँ कि किन फैक्टर्स पे आपकी हाइट डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये जो स्पीड हाइट है इसके अंदर जो भी कंपोजिशन है आपकी हाइट को इनडायरेक्टली तरीके से बढ़ाएगा, ग्रोथ कराएगा बॉडी की, तो आपकी हाइट भी बढ़ेगी। तो ये जो स्पीड हाइट है इसकी कुछ सावधानियाँ भी होती हैं भाई कि आपको कब नहीं लेना है। अगर आपको कोई किडनी की समस्या है तो ना लें, लीवर की समस्या है तो बिल्कुल ना लें, महिला प्रेगनेंसी है तो नहीं लेना, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स ले सकते हैं चाहे तो, डॉक्टर की सलाह से ले लो चलेगा। और अगर कोई दवाई चल रही है आपकी मेडिसिन, तो उसके साथ इसको नहीं लेना है,
अगर वो ज़रूरी है तो कम से कम 4-5 घंटे का फ़र्क रखें दोनों के बीच में, ठीक है, और छोटे बच्चों की पहुँच से दूर रखें, ठीक। साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, हालांकि ये आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है तो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, बट फिर भी कुछ लोगों को कुछ ना कुछ हर्ब से एलर्जी होती है, तो उस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपको हो सकता है कि जो भी कंपोजिशन बताया इनमें से आपको किसी एक चीज़ से एलर्जी हो तो आपका पेट वेट ख़राब हो जाएगा, आपको खुजली वगैरह रैसेस वगैरह हो सकते हैं, बाकी इतना दिक्कत नहीं आती है। लेने का तरीका क्या रहेगा इसका, डोज बहुत सिंपल है। आपको जो है दोस्तों छोटे बच्चे जो होते हैं 12 साल से ऊपर के उनको दे सकते हैं, 12 साल से छोटे बच्चों को ना दें तो ज़्यादा बेहतर है, 12 साल से लेके 19-20 साल, बस इतनी ही एज तक के अगर आपकी हाइट रुकी है तो लें, 20 साल से ज़्यादा की उम्र है तो आपको नहीं लेना चाहिए, कोई काम नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल काम नहीं करेगा। एक एक कैप्सूल सुबह शाम लिया जा सकता है, ठीक है, खाने के बाद लेना है पानी के साथ, मैक्सिमम 6 महीने तो लो, कम से कम, नहीं भी हो रहा तो फिर कम से कम 3 महीने का कोर्स करो, तब जाकर इसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है क्या, स्पीड हाइट कैप्सूल। आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।